बहुत नर्वस थी मैं जब मैं बना रही थी पर अभी लग रहा है कि हाँ अच्छा बना है इंशाल्लाह। कितने टाइम बाद अभी आपने ये खाना बनाने का प्रोसेस शुरू किया है? 5 महीने वो अगले साल आएंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू माय अपी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। आज है पुप्पी का हमारे साथ लास्ट डे, तो पुप्पी बनाने जा रही हैं एग रोल। क्योंकि इसमें ऑयल डाला है तो वो गुठलियाँ ना बन जाए, तो इस तरीके से आटे को मिक्स कर रही है पुप्पी। पुप्पी के हाथों के एग रोल की तारीफ तो बहुत सुनी थी लेकिन अभी तक खाया नहीं था, तो पुप्पी ने बोला था की जाने से पहले वो हमें जरूर खिला कर जाएंगी। तो आज क्योंकि पुप्पी को वापस जाना था रात 8 बजे की ट्रेन से, तो पुप्पी ने हमें ब्रेकफास्ट में एग रोल खिला ही दिया। और इसकी रेसिपी मुझे बहुत यूनिक लगी इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। रेसिपी कुछ इस तरीके से है। पुप्पी ने सबसे पहले लिया मैदा, मैदे में ऐड कर दिया सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल और उसको अच्छे से गूंद लिया। और इस तरफ मैं बीट कर रही हूँ एग्स, मैंने लिए थे 11 eggs। आप अपने रोल्स के अकॉर्डिंग एग्स लें, उसमें सिर्फ मैंने सॉल्ट ऐड किया है। और यहाँ तवे पर आपने रोटी को हाफ कुक करना है, यानी सिर्फ एक साइड से कुक करनी है, दूसरी साइड से कुक नहीं करनी है। देन आपको बनाना है हाफ फ्राई। हाफ फ्राई के ऊपर ही आपने जिस साइड से रोटी कुक नहीं की है एग के ऊपर रख देना है और एग के साथ लगने देना है। और इस तरीके से ऑयल की मदद से आपने दोनों साइड से रोटी को कुक करना है। और ये चीज़ें हैं गार्निशिंग के लिए। इसमें ले लिया है पुप्पी ने अनियंस, ग्रीन चिलीज, कैरेट एंड कैबेज। इसको थिन स्लाइस किया है और बारी बारी से अब गार्निशिंग करेंगे। अनियंस, ग्रीन चिलीज, कैरेट्स, कैबेज एंड अब बारी है सॉस ऐड करने की। एंड लास्ट में ऐड कर देंगे ग्रीन चिली सॉस और ये हमारा मज़ेदार एग रोल तैयार है। ट्रस्ट मी यू विल लव इट। मैंने पहली बार ही खाया था पुप्पी की ये डिफरेंट सी यूनिक रेसिपी, तो मुझे बहुत मज़े की लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा है माशाल्लाह, बहुत यम्मी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। आज भाभी की पहली रसोई है इंशाल्लाह। यप, फाइनली आफ्टर 5 months भाभी वॉज गोइंग टू कुक फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी कुक्ड चिकन बिरयानी एंड फिरनी। एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? हाँ, कैसा रहा? बहुत नर्वस थी मैं जब मैं बना रही थी पर अभी लग रहा है कि हाँ अच्छा बना है इंशाल्लाह। तो ये एकदम लास्ट स्टेप पे हैं आप लेयरिंग के। अब तक भाभी जी ने बना ली है फिरनी और ये बिरयानी की लेयरिंग हो रही है। टाइम बाद भाभी आपने ये खाना बनाने का प्रोसेस शुरू किया है? 5 महीने बाद। इसकी वजह से और नर्वस होंगी आप, है ना? हैबिट चली गई थी ना। बिरयानी तो हफ्ते में 2 बार बनानी ही थी। इसको दम पे रखेंगी आप? गोश्त भी ऐसा बना है कि अंदर तक पूरा सिक गया है, नहीं तो अक्सर क्या हो जाता है ना, हल्का सा कच्चा रह जाता है। ये कोरमा में जो बनेगा वो ठीक बनेगी, मसाले की क्वांटिटी और ये ठीक है, अच्छा है। जो चीज़ में कमी है तो भाई ये कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस
एंड आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मूवी नाइट, क्योंकि मेरे डियर कजन्स का आज लास्ट नाइट स्टे है हमारे साथ, तो लापता लेडीज। हम कजन्स बहुत टाइम बाद मिल पाते हैं और ऐसा बहुत कम ही हुआ है जब हम सब इकट्ठा हुए हों और हमने कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, क्योंकि हम लोग अक्सर कर शादी वगैरह में ही मिल पाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी हम बिजी होते हैं शादी के फंक्शंस में, बट दिस टाइम वी मैनेज टू क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह, बट फॉर श्योर आई एम गोइंग टू मिस देम। अगले साल आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई अप्पी वीडियो। अल्लाह हाफिज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्यूट अप्पी के व्लॉग देखते रहिए।